रंगरा स्वास्थ्य केंद्र में 150 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। रंगरा पीएचसी में बुधवार को 150 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। जल्द ही सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि वैक्सीन देने के बाद सबों की स्थिति सामान्य थी और किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830 8 मार्च से रंगरा में होने वाले प्रकाशोत्सव की तैयारी शुरू। BRC रंगरा द्वारा 8 मार्च से 20 मार्च तक प्रकाश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए रंगरा के वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि प्रकाशोत्सव के दौरान कई तरह के बौद्धिक आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन की सफलता के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। रंगरा पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। 35 लीटर देशी शराब बरामद। मौके से ही 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने करारी तिनटंगा के लाल साहब दियारा में छापेमारी कर एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर मौके से ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में करारी तिनटंगा निवासी पप्पू कुमार मंडल और झल्लूदास टोला निवासी लूखो मंडल है। जानकारी देते हुए नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस ने 35 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के उपकरण जैसे गैस सिलेंडर चूल्हा ड्रम भी बरामद किया है। छापेमारी अभियान में रंगरा थाने के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक महताब खां समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। मास्क जांच अभियान में रंगरा पुलिस ने वसूल किया 700 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मास्क जांच अभियान के क्रम में पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 14 लोगों से 700 रुपये जुर्माना वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने मास्क जाँच अभियान और वाहन जाँच अभियान एक साथ चलाया है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।